पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप वार्म अप मुकाबले में आया रोहित शर्मा और उनके साथ विराट कोहली का तूफान, टीम इंडिया ने जीता रोमांचक मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2023 से पहले एक बेहद ही शानदार वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। तो दोस्तों, हम आपको इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी पाकिस्तान के ऊपर टीम इंडिया की शानदार जीत को देख कर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम टॉस की बात करें तो सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया पाकिस्तान की टीम को। पाकिस्तान की टीम और टीम इंडिया दोनों नेशनल एंथम के साथ इस मैदान पर उतरी। नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ दोनों टीमों के बीच एक और शानदार महामुकाबला, जहाँ पर पाकिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी करनी थी तो पाकिस्तान की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे फकर जमान, तो उनके साथ थे इमाम उलक। दोनों बल्लेबाजों से यहां पर टीम को शानदार शुरुआत की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही, और दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही संभल कर बल्लेबाजी करते हुए कुछ बेहतरीन शॉट भी लगाए। दोनों की सजी हुई शुरुआत के चलते यहां पर पाकिस्तान की टीम ने 9वें ओवर में 50 रनों का आंकड़ा भी छू लिया, और इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 10 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच इसके बाद भी शानदार पार्टनरशिप जारी रही और पहले विकेट के लिए 75 रनों की पार्टनरशिप हुई, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को पहली सफलता फकर जमान के रूप में मिली। फकर जमान के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे टीम के कप्तान बाबर आजम, तो बाबर आजम ने इमाम उलहक के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, और दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों के सामने सजी हुई बल्लेबाजी की और टीम का स्कोर 18वें ओवर में 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इस दौरान बाबर आजम के बल्ले से कई शानदार शॉट भी देखने को मिले। वहीं पर इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने 60 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। वहीं पर इसी बीच भी दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, तो वहीं पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया इमाम उलक ने, तो उनके साथ ही यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए बाबर आजम ने भी अपना अर्धशतक जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 150 रनों के पार भी पहुँचा दिया। टीम इंडिया के लिए अब मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही थी जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय टीम के लिए बड़ी सफलता दिलाई इमाम उलक के रूप में। इमाम उलक को पेवेलियन भेजा शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने। इमाम उलक 87 रनों की शानदार पारी खेल कर पेवेलियन लौटे, तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों बाबर आजम भी जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वो भी 73 रनों की पारी खेल कर पेवेलियन लौटे, तो वहीं पर इसके बाद पाकिस्तान के लिए अंत में भी शानदार बल्लेबाजी रही मोहम्मद रिजवान की, जिन्होंने यहाँ पर नीचे बल्लेबाजी करते हुए कमाल की पारी खेली और आखिरी ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक समय पाकिस्तान की टीम मुश्किलों में फंस चुकी थी उनके स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया शादाब खान के साथ मिलकर, और दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को बेहतरीन तरीके से, एक समय लग रहा था कि 250 से 270 के बीच में अटक जाएगी पाकिस्तान की टीम, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया और आखिरी 10 ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 80 रन बनाकर टीम का स्कोर 300 रनों तक ले जाने में कामयाब हुए, और भारतीय टीम के सामने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 301 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम के सामने अब इस मुकाबले को जीतने के लिए 302 रनों का लक्ष्य था। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल, तो उनके साथ रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। शुभमन गिल ने पारी की पहली गेंद पर बेहतरीन ड्राइव के जरिए चौके के साथ शुरुआत की, तो पहले ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिडविकेट की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर में रोहित शर्मा ने भी एक बेहतरीन फ्लिक शॉट के जरिए एक बेहतरीन बाउंड्री के साथ अपना खाता खोला। अब दोनों बल्लेबाज शुरुआती 5 ओवरों में टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दे चुके थे क्योंकि भारतीय टीम 32 रन बना चुकी थी, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। सईद साफरीदी की गेंद पर उन्होंने बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को मिडविकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार शॉट खेला और इस पर भी उन्होंने चौका जड़ दिया, लेकिन पारी का पहला छक्का रोहित के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने हारिस रॉप की गेंद पर एक फुल शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया, और इस छक्के के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों के पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद रोहित ने एक और स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन
के पार भेजा और यह भी कमाल का चौका था। तो वहीं पर इसके बाद स्पिन गेंदबाजी की तरफ गई पाकिस्तान, तो यहां पर भी रोहित ने आते ही एक स्वीप शॉट के जरिए चौका जड़ दिया। इसके बाद शुभमन गिल तो और भी आक्रामक होते हुए नजर आए। शुभमन गिल ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। दोनों बल्लेबाजों के बीच सत्य की साझेदारी भी हो चुकी थी, तो साथ ही यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुभमन गिल ने रोहित से पहले अर्धशतक बना लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही इनकी और मात्र 42 गेंदों पर ही 50 रनों तक पहुंच गए। लेकिन इसके बाद रोहित ने भी अपना आक्रामक खेल जारी रखा। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए 15 ओवर में ही टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुँचा कर यह दर्शा दिया कि इस मुकाबले में टीम इंडिया मजबूत शुरुआत कर चुकी है, क्योंकि बिगैर कोई विकेट गंवाए भारतीय टीम के लिए 100 रनों की पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों ने कर डाली। इसी बीच दोस्तों रोहित शर्मा ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित की भी कमाल की बल्लेबाजी रही। दोनों बल्लेबाज अर्धशतक के बाद एक बार फिर यहां पर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों रोहित के बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार फिर गेंद को उन्होंने 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर शुभमन गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर भारतीय टीम का स्कोर अब 20 ओवर की समाप्ति के बाद 127 रन हो चुका था। इसी बीच शुभमन गिल ने एक और शानदार शॉट खेला और फ्लिक शॉट के जरिए यहाँ पर रन बनाने में वो कामयाब हुए। रोहित और अब शुभमन गिल के बीच शानदार 150 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। लेकिन तभी दोस्तों एक शानदार गेंद ने LBW आउट करके पेवेलियन भेजा नसीम शाह ने शुभमन गिल को। शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाम की शानदार पारी खेलकर वो पेवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली तो उन्होंने आते ही नसीम शाह की गेंद पर एक बेहतरीन फ्लिक शॉट के जरिए चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर अब वो रोहित शर्मा के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। इसी बीच रोहित शर्मा धीरे धीरे अपने कदम शतक की तरफ बढ़ा रहे थे, तो वहीं पर विराट कोहली भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने शानदार चौके जड़ते हुए 25 ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 175 रनों तक पहुँचा दिया, यानी कि टीम इंडिया पूरी तरह से इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी। तभी दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा ने एक कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। मोहम्मद वसीम जूनियर की शानदार गेंद पर उन्होंने बेहतरीन छक्का जड़ दिया। इसके बाद एक और कमाल का शॉट देखने को मिला रोहित के बल्ले से ही, जहां पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक और शानदार छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी जारी रही और उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा। अब भारतीय टीम का स्कोर 35 ओवर की समाप्ति तक 210 रनों तक पहुंच गया था। इसी बीच दोस्तों विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक मात्र 43 गेंदों पर पूरा कर लिया। यहां पर भी इनकी भी कमाल की बल्लेबाजी रही, जहां पर इनके बल्ले से 6 बेहतरीन चौके देखने को मिले, लेकिन इन्होंने सिंगल डबल में ज़्यादा मेहनत की। इसके बाद दोस्तों एक और शानदार शॉट खेलते हुए सामने की तरफ स्ट्रेट ड्राइव के जरिए एक बेहतरीन छक्का यहाँ पर चढ़ दिया शादाब खान की गेंद को और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद उनके बल्ले से इसी ओवर की एक और शानदार गेंद पर उन्होंने एक और बेहतरीन शॉट सामने की तरफ खेला और एक और शानदार छक्का विराट के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों रोहित ने भी एक और कमाल का शॉट खेलते हुए पुल शॉट के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी बेहतरीन छक्के के साथ ही उन्होंने अपना शतक भी पूरा कर लिया। रोहित की कमाल की बल्लेबाजी रही, जहाँ पर उन्होंने 111 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस शतक के दौरान उनके बल्ले से 4 बेहतरीन छक्के भी देखने को मिले। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद विराट कोहली ने भी अपना रुख बदला और एक सामने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 41वें ओवर में भी उन्होंने एक और शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया और ये तो उनका एक और कमाल का शॉट था। इसके बाद अब वो भी बिल्कुल अपने शतक के नज़दीक पहुँच चुके थे, तभी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड गेंद को 4 रनों के लिए भेजा और अपना बेहतरीन शतक मात्र 71 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। विराट कोहली की दमदार बल्लेबाजी रही और रोहित के साथ उन्होंने भी कमाल का शतक जड़ दिया और रोहित के साथ इनकी पार्टनरशिप भी अब 140 रनों के पार हो चुकी थी। अब टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे।
बचे ओवर 5 ओवर में, लेकिन तभी रोहित शर्मा के बल्ले से निकले हुए एक कमाल के छक्के ने इस मुकाबले को फिनिश कर दिया और टीम इंडिया ने 9 विकेट से इस मुकाबले में बेहतरीन जीत दर्ज की पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान इस मुकाबले में टीम इंडिया को कहीं पर भी टक्कर देता हुआ नजर नहीं आया। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको भारतीय टीम के इन प्लेयरों का परफॉर्मेंस? क्या लगता है आपको टीम इंडिया पहला मुकाबला भी जीत पाएगी? ऐसे ही हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।